हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ पालक के पराठे। पालक के पराठे बनाना बहुत आसान है और आप इसको कभी भी बना के खा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया पालक। पालक को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। और ये हरी मिर्च और लहसुन है। मैं पराठे के लिए हरी मिर्च यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पालक को काट के तैयार कर लूँगी। पालक को हमें बारीक काटना है। हमें थोड़ा थोड़ा करके पालक को बारीक काट लेना है। आप चाहे तो ये पराठा पालक को बॉईल करके बना सकते हो। पालक हमारा कट के तैयार है। अब हम आटा लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 कटोरी आटा लिया है और ये मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। इसे मिक्स कर देंगे नमक को। अब मैं आटे में कटा हुआ पालक डालूंगी और हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि पालक में जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आटे में चला जाएगा। अब मैं मिर्ची और लहसुन को कूट लूंगी। आप चाहे तो ये मसाला मिक्सी में कूट के तैयार कर सकते हो, सॉरी पीस के तैयार कर सकते हो। मसाला हमारा तैयार है। अब हम इसको 1 कटोरी में निकाल लेंगे। अब हम आटा लगाएंगे। तो मैंने सबसे पहले लिया एक छोटा चम्मच सौंफ। सौंफ को मैं थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी। सौंफ से पराठे में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी बचे हुए मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 छोटा चम्मच हींग। एक छोटा चम्मच धनिया। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। और अब मैं इसमें मिर्ची और लहसुन भी डाल दूंगी। हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा आटा लगाते टाइम हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसको टाइट लगाना है। हमें सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रख देती हूँ ताकि आटा हमारा सेट हो जाए। अब मैं पराठा बनाना शुरू करूँगी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, उसकी लोई बना के अब मैं इस पे घी लगा के इसको बेलूंगी ताकि ये चिपके ना। पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी का यूज किया है। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी पराठे बना सकते हो। तवा हमारा गरम हो चुका है। अब मैं इसमें पराठा डालूंगी और हमें अभी पराठे को हाई फ्लेम पे सेकना है। एक साइड से हमारा पराठा सिक चुका है। मैं इस पे घी लगा दूंगी। घी लगाने के बाद मैं इसको पलट दूंगी और गैस का फ्लेम कम कर देंगे। और अब हमें इसे कम फ्लेम पे ही सेकना है। दूसरी साइड में मैं घी लगा दूंगी। पराठे को हम उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे।
पराठा हमारा सिक चुका है, इस तरीके से मैं सारे पराठे सेक लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे पराठे बनकर तैयार हैं और देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। आप ये पराठे सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में बना सकते हो और इसके दही के साथ भी